हाई एवरी वन यू आर वॉचिंग एडवोकेट शाहिना परवीन एंड टूडे आई हैव कम विद डट न्यू कन्सेप्ट विच यू लाइक आई नो वेरी वेल एंड वॉट इज़ द कन्सेप्ट एंड वॉट इज़ द डिस्कशंस डेट आई विल प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू मैं आप लोगों के सामने ये बताना चाहती हूँ uh, कि फार्मर बिल्स को लेकर के कितना ज़्यादा अपने देश में अप हैवल्स हैं स्टैम्पीडिंग हैं इन सबको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं केवल एक ही व्यक्ति ख़त्म कर सकता है जो प्राइम मिनिस्टर जी हैं और प्राइम मिनिस्टर जी से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ज़्यादा स्टर्बन ना करें और अपने देश के हित के लिए वैसे भी आप काम कर रहे हैं और आपको अपॉइंट किया गया है फॉर वर्किंग इन फेवर ऑफ द पब्लिक इसलिए अगर किसान भाइयों को जो बिल आपने पास किया है और जो पास किया गया है पार्लियामेंट में अगर उनको अप्रोप्रिएट नहीं लगता है तो आप उसे वापस लीजिए वैसे भी इस बिल से तो कोई फ़ायदा नहीं है इस बिल से ये होगा कि हमारा मंडी सिस्टम पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा कोई भी जो छोटे लोग हैं उनको कोई भी रोज़गार नहीं मिलेगा एंड दे ऑल विल बी अनएम्प्लॉयड तो एक तो कमी यही है दूसरी ये है कि जो बड़े लोग हैं जो इसको ख़रीदेंगे वो स्टोर करके रखेंगे तीसरा ये है कि जो ग्रीव ग्रीवेंसेस जो फेस करेंगे फार्मर वो उनको उनके लिए वो कोर्ट नहीं जा सकते तो आपने ये कोई अच्छी योजना नहीं बनाई है दिस इज़ नॉट दैट वेल Plant things which you are thinking that कि it is the lucrative for the farmers. अब रही बात की आपके जिद करने की आपको अपना ज़िद छोड़ना चाहिए क्योंकि जो व्यक्ति जिद करता है और फिर लोगों को अंडर एस्टिमेट करता है तो उसका विनाश ज़रूरी है और वो खुद ही अल्लाह ताला या भगवान या गुरु जो भी करिए वही विनाश करेंगे मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ और ये मुस्लिम्स की मैथोलॉजी में है कि एक है मैथोलॉजी में एक कैरेक्टर है उस कैरेक्टर के बारे में बताना चाहती हूँ कि बाबा आदम सलाम जब वो जन्नत में थे तो उस वक्त जो है अल्लाह ताला ने यह फरमाया सारे फरिश्तों को कि आप जाके आदम सलाम का इस्तकबाल कीजिए और सजदा कीजिए तो केवल एक ऐसे फरिश्ते थे इबलीसलाम उन्होंने कहा कि वो नहीं करेंगे सजदा क्यों क्योंकि आदम सलाम मिट्टी के बने हुए हैं और हम आग के बने हुए हैं हम ज़्यादा उनसे अफजल हैं हम कैसे कर सकते हैं इन चीज़ों को उन्होंने ऐसा बोला तब अल्लाह ने क्या किया उनको जन्नत से निकाल फेंका उनकी उनको अपनी औकात याद दिला दी तो इसी तरह से आप लोगों का मत दिल दुखाइए और लोगों की बात मान लीजिए रही झंडा फहराने की रेड फोर्ट पे, तो क्या आपने वो सोचा था जब मस्जिद पे जो है लोगों ने दो ने जो झंडा फहराया तो और फिर वो हिंदू भाई नहीं थे वो कुछ ऐसे गुंडस को लाए गए थे जिन्होंने हिंदू भाइयों का नाम ख़राब किया और मैं जानती हूँ कि हमारे देश में हिंदू मुस्लिम्स और सिख क्रिश्चियन दे ऑल आर दैट इक्वल एंड दे आर लिविंग यूनानी मसली मैं उनके प्यार को जो है वो डिस्क्राइब नहीं कर सकती वो इतने अच्छे ढंग से रहते हैं केवल कुछ गुण्स हैं जो मुस्लिम्स के नाम पे मुस्लिम का नाम खराब करते हैं और कुछ गुंड्स हैं जो कि हिंदू के नाम पे हिंदुओं का नाम खराब करते हैं तो वही इस केस में भी हुआ आप जब मस्जिद पे जब कुछ गोंस जो हैं आरएसएस का झंडा लगा रहे हैं तभी आपको रोकना चाहिए कि भाई ये गलत चीज़ है ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ पे सभी चीज़ों को सभी को इस्तकबाल करना चाहिए इज्जत देना चाहिए मुस्लिम्स को मंदिर को जो है इस्तकबाल करना चाहिए और उनका जो है इज्जत करनी चाहिए और जो है हिंदुओं को मस्जिद को क्योंकि देखिए मस्जिद मंदिर गिरजाघर ये सारे एक ही खुदा के नाम एक ही खुदा की प्लेस है जहाँ पे हम वर्शिपिंग डिफरेंट फॉर्म में करते हैं अगर हिंदू करता है तो वही खुदा की जो करता है जो मुस्लिम करते हैं और जो मुस्लिम कर रहे हैं वही जो है क्रिश्चियन भी करते हैं वही जो है ए, जो है सिख भी करते हैं फिर आपको किस बात का आप झगड़ा कर रहे हैं मंदिर मस्जिद और इसके चक्कर में जब आपको एक रेड फोर्ट के मैटर को लेकर के आप कह रहे हैं वहाँ पे झंडा फहरा दिया गया एक खाली पोल था जिस पे उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि हम हारेंगे नहीं हम जीतेंगे क्योंकि वैसे भी फ्लैग का ये साइन होता है कि विनिंग तो उन्होंने विन करने के लिए लगाया और जो विन कर के लिए जो लगाने को उन्होंने दिखाया वो भी तो आपके ही बंदे खरीदे हुए थे वो भी तो जो है आप जानते ही हैं कौन बंदा था अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है तो हर जगह तो आप ही माहौल को ख़राब कर रहे हैं और देश की एकता को बर्बाद कर रहे हैं और ज़बरदस्ती अपने सेक के लिए सब कुछ आप दूसरों का नाम खराब कर रहे हैं कभी हिंदू का नाम खराब हैं कभी मुस्लिम का कभी क्रिश्चन का कभी फार्मर्स का कभी आपका सिख का तो आप क्या कर रहे हैं मोदी जी आप प्लीज़ अमित जी मोदी जी इन चीज़ों को सोचिए और हम सब लोगों का नाम मत खराब कीजिए आपको हमने सेलेक्ट किया है इसलिए उसका प्रिविलेज लीजिए नहीं तो नेक्स्ट इलेक्शन में आपको कोई भी जीतने नहीं देगा अगर आप जीतेंगे भी तो बेमानी से जीतेंगे या फिर आप जो है उसको टैंपर करेंगे ईवीएम मशीन को करवाएंगे तभी आप जीत पाएंगे आपका वैसे अच्छा इम्प्रेशन तो नहीं रहेगा और दुआएं लेनी भी बहुत ज़रूरी है आपको सभी लोगों से दुआ लेनी चाहिए नहीं तो अल्लाह ताला ज़रूर जज करते हैं अच्छे बुरे का और आप कभी एक दिन एट द डे ऑफ द जजमेंट यू विल बी ऑल्सो जज बाई अल्लाह एंड यू विल बी पनिश्ड ऑल्सो आप इस चीज़ को समझिए इसी के साथ मैं आप सब लोगों से जो बिदा लेती हूँ और नेक्स्ट वीडियो में आई जस्ट मेक यू अवेयर कि व्हाट हैज़ बीन गोइंग ऑन और मोदी जी को अगर आप ये देख रहे हैं तो आप प्लीज़ हम सब लोग के तरफ से मैं दरख्वास्त करती हूँ कि आप उनकी फार्मर्स की फीलिंग्स को समझिए और इस बिल को वापस लीजिए वो बेचारे कैसे ज़िंदगी बिता रहे हैं अपने परिवार को छोड़कर रियली really? मैं उनके लिए रोती हूँ और अल्लाह से नमाज में दुआ करती हूँ कि उन भाइयों को सुकून दे और जो है अपनी जो मकसद में कामयाब हो तो प्लीज़ आप अपनी ज़िद छोड़ दीजिए नहीं तो आपका वही हाल होगा जो इब्लीस जो है जो कि इबलीस का हाल हुआ था कि उनको जो जगह थी जो पोस्ट थी उनसे अल्लाह ताला ने निकाल फेंका अगर बंदों को आप कमज़ोर कर रहे हैं बंदे नहीं निकाल फेंकेंगे तो अल्लाह ही आपको निकालेगा इनशाला